ग्राउंड बनाने का काम चल रहा है। ये वो काम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। जस्ट पेंट करना तो बहुत इजी होता है और वो बहुत कम टाइम में हो जाता है, लेकिन एक पूरा मुकम्मल ग्राउंड तैयार करना, पेंट की तैयारी, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले ग्राइंडिंग की जाती है, बाद में उसके बाद सफाई की जाती है, फिर उसके बाद पॉलीगेट फिल किया जाता है, फिर उसकी कटाई करके उसकी रेगमाल के साथ उसे इवन किया जाता है, उसके बाद फिर ईरानी लापी फिल की जाती है, उसके बाद फिर मंचाई की जाती है, और उसके बाद फिर वॉशिंग के बाद फिर जो है कोट किए जाते हैं पेंट के। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन जिसमें तो सबसे पहला काम है वो ग्राउंड का है, जिसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ओके। ये जो काम आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एम्ब्री बनाना। ये उन जगहों पे बना दी जाती है जैसे व्हील के ऊपर वाली जगह होती हैं, जहाँ पानी लगना होता है या मड लगना होता है, या जो फर्शों के ऊपर जहाँ पाँव होने होते हैं हमारे, उन जगहों पे बना दी जाती है ताकि पेंट की लेयर अच्छी चढ़ जाए और जहाँ पे रस जल्दी ना आए। तुम काम करो, ग्राउंड बनाने का काम हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फाइनल पेंट्स के कोट लगाने से पहले इसे लेके आए हैं वॉशिंग लाइन पर, ताकि सारी मिट्टी या जो डस्ट इसके अंदर गई हुई है वो निकल जाए और पेंट को एक अच्छी साफ सुथरी सरफेस मिले बॉन्डिंग बनाने के लिए। अब हम बेस कोट अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। अब हम पहले दरवाज़ों और ये दरवाज़ों की जो गुलाई हैं इनमें एक बेस कोट लगा लेंगे और इन्हें फाइनल कर देंगे। उसके बाद जो गाड़ी का आउटर, जितनी भी गाड़ी की बॉडी है, उस पर पेंट किया जाएगा बाद में। हमने एम्ब्री बनाने के बाद फर्शों और जो व्हील के साइड्स वाली ऊपर वाली जगह थी वहाँ पे हमने अस्सर का एक कोट लगा दिया है। इसके बाद हम टॉप प्लेट का जो हमने ग्रे मैचिंग कलर बनवाया है वो हम इस पे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। इंजन रूम हमने फाइनल कर दिया था ताकि इंजन हम इसको इंस्टॉल करते और फिर बाकी का जो पाइप की साइज का वो बाद में होता रहे।